नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। विकास के मुद्दों पर फिर से हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के शेखपुरा जिले के शेखपुरा प्रखंड के कुसुम्भा पंचायत में। जो शख्स जिनको आप स्क्रीन पर हमारे साथ बैठे देख रहे हैं, इनका नाम संजय पासवान है, कुसुम्भा पंचायत के ये मुखिया हैं। तो सीधे तौर पर इनसे जानेंगे क्या कुछ इन्होंने किया विकास का कार्य बीते वर्ष में जनता के लिए, अपने पंचायत के लोगों के लिए। ताइए रुक करते हैं संजय पासवान जी की ओर, जानते हैं इस पंचायत के विषय में, आखिर कुसुम्भा पंचायत का विकास स्तर आखिर है क्या। बस पहले तो संजय पासवान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। यहाँ कुसुम्भा पंचायत में मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, विकास की गति कैसी है आपके पंचायत में? विकास की गति तो जो हमसे बन रहा है वो हम मतलब किए, जितना पैसा सरकार से आया वो हम किए। सरकार के दिशा निर्देशानुसार आपने काम किया पंचायत में जी। बात करते हैं नल जल योजना की, नल जल योजना की कैसी स्थिति है आपके पंचायत में? नल जल योजना मतलब कि अभी सक्सेसफुल नहीं है, हर जगह से पानी का दिक्कत है। ये है नल जल योजना, मतलब कहीं अभी कॉन्ट्रेक्टर के द्वारा मतलब टोटी उटी नहीं लगाया गया, उसी किसी ढंग से मतलब पानी चल रहा है, नहीं कि हाँ के बराबर। और भी योजनाएं हो गई जैसे पंद्रहवीं हो गए, सिस्टम हो गए, इन सब के तहत आपने कुछ करवाए कि नहीं पंचायत? हाँ, पंद्रहवीं से मतलब हम घाट और सामुदायिक भवन जितना पैसा था वो करवाएं, और उसके बाद मनरेगा के तहत से भी घाट और मतलब कि गली अथी गली और बाउंड्री बाल हम अपने पंचायत में बनाए हैं। और सिस्टम से? सिस्टम से भी मतलब कि फेवर ब्लॉक का काम करवाए हैं। कुआं वगैरह नहीं बनवाए हैं, कुआं वगैरह नहीं बनवाए हैं, घाट बनवाए हैं, अथी बनवाए, यही सब काम किए हैं। और फेवर ब्लॉक गली बनवाए, समुदाय भवन बनवाए, रिपेयरिंग करवाए समुदाय भवन का, यही सब करवाए हैं। बात करते हैं स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य केंद्र है अच्छी आपके पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत में दो जगह थी है, मगर जमीनी नहीं रहने के कारण मतलब किराया के मकान में अभी चल रही है। अभी सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है? जी, सुचारू रूप से चल रही है, मतलब किराया का मकान में चल रहा है। आपके पंचायत की स्कूलों की कैसी स्थिति है? स्कूलों की स्थिति मतलब कि अभी मतलब टीचर नहीं रहने के कारण 10+2 में मतलब मात्र एक शिक्षक है। हमने आवेदन शिक्षा मंत्री को भी हमने दिए थे आवेदन कि हमारे यहाँ 10+2 स्कूल है, मगर टीचर नहीं रहने के कारण वहाँ पढ़ाई में बाधित चल रहा है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमने जिला पदाधिकारी महोदय को भी दिया है, फिर हम शिक्षा जो पदाधिकारी हैं उनको भी हमने आवेदन दिया है, हमारे पास रिसीविंग है कि यहाँ टीचर का मतलब कमी है कुसुम्भा पंचायत में, इसलिए पढ़ाई में लड़का लोग को दिक्कत है। एक बार लड़का लोग धरना प्रदर्शन दे दिया तो जा करके हम ही छोड़वाएँ कि धरना छोड़ो, हम जाएंगे शिक्षा पदाधिकारी। धरना प्रदर्शन जो भी लोग कर रहे थे उनको शांत आप ही ने करवाए? शांत हम करवाएँ और हम ही जा करके आवेदन शिक्षा पदाधिकारी को दिए, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जी। मुख्य रूप से भी आपके पंचायत में शिक्षक की दिक्कत है, और भी किस चीज़ की कमी आपके? हाँ, अभी जैसे पहले के माध्यम से मतलब कि विकास की योजना में पैसा सरकार के माध्यम से आ ही नहीं रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसे मुखिया को लोग जनता क्या समझता है कि प्रधान जो है मुखिया का मुखिया है, ये है जो भी कुछ है, मगर मुखिया को निपंगू मतलब निहत्था कर दिया है सरकार। आज तक हमने एक जियो टैग, जब से नया मुखिया हुए एक जियो टैग नहीं करा सके हैं। प्रधानमंत्री आवास, जनता लोग आता है कि प्रधानमंत्री आवास दीजिए मुखिया जी, तो हम कहाँ से दें, जबकि वहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार का योजना है, जबकि सब जगह मिल गया। यहाँ बिहार को अनदेखा किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है अनदेखा, बिहार के पंचायतों को अनदेखा किया जा रहा है, और यहाँ को सरकार को बदनामी किया जा रहा है कि मतलब यहाँ तो जानबे करेगा कि नीतीश कुमार नहीं दिया, सरकार ने दिया, मेन केंद्र से एवन करेगा तो यहाँ क्या देगा। अच्छा, आप जो भी हो रहा है पंचायत में, जो विकास स्तर नहीं बढ़ पा रहा, राशि की जो भी दिक्कत आ रही है, आपका कहना ये है कि वो नरेंद्र मोदी दोषी है उसमें, बीजेपी की सरकार दोषी है? हाँ, इसके लिए वही दोषी हैं, इसलिए कि हर जगह मान ली कि आज यूपी में मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना दे दिया गया, बिहार को नहीं दिया गया, तो इसके लिए दोषी केंद्र सरकार ही है। सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने पंचायत के विषय में? सरकार को यही मैसेज जाना चाहिए कि बिहार जैसे हर स्टेट को आप कर मतलब योजना दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, उसी तरह से बिहार को भी आपको देना चाहिए। चुनाव आ रहा है और लोग मुखिया काहे हारता है, इसीलिए जनता चुनता काहे के लिए मुखिया को, कि काम करने के लिए,
आ एक भी काम हमारे हाथ में है ये नहीं है। कभी अंत्योष्टि योजना है हम लोग से छीन लिया गया, मनरेगा का योजना है उसमें मतलब कि अथी किया गया, केंद्र का जो भी योजना है सब तो रोक दिया गया है। अब वही योजना जिसे मतलब आता है जो हम ग्राम सभा से पारित करते हैं योजना, उसमें चिट्ठी यहाँ से चलाता है जिला से कि थोड़ा ई योजना घुसा लीजिए। अब हम ही जो 15वीं का पैसा है उससे सौर लाइट लगाइए, ई काम कीजिए। अब सरकारें के यहाँ से एजेंसी चलाता है, आप ब्रेडा कंपनी को दे दीजिए चाहे ए एजेंसी को दे दीजिए, सब वहीं से चलाता है। हम लोग को मतलब कोई अथी नहीं रहता है, यही तो इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पंचायत को लेके। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुसुम्भा के मुखिया जी संजय पासवान जी। साफ तौर पर उन्होंने कहा है सरकार विफल है पंचायतों को विकास करने में। ये केंद्र सरकार को दोषी मान रहे, ना ही कि बिहार सरकार को दोषी मान रहे, क्योंकि इनका कहना है कि केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है तो हमारी राज्य में नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत तरह की बातें इन्होंने की है सरकार के विषय में, पंचायती में किस चीज़ की कमियां हैं वो भी इन्होंने बताई, और पंचायत का विकास स्तर क्या है और कैसा है ये भी इन्होंने बताया। इन्होंने पंचायत को लेकर, पंचायत के लोगों के लिए, जनता के लिए क्या क्या किया ये भी इन्होंने बताया। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और पंचायत को लेकर, एक और पंचायत की बात करने के लिए, एक और पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए। मुखिया से देखते रहे हमारे साथ बिहार न्यूज़।